फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिटर टेक्निकल में। मेरे चैनल के माध्यम से मैं उन सभी दोस्तों को जो किसी न किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या आईटीआई से जुड़े हुए हैं, उन सभी को उनकी ट्रेड से रिलेटेड एक एक चीज के बारे में अवगत कराना, यही मेरे चैनल का मेन मोटिव है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें, और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक है BSW थ्रेड। तो BSW थ्रेड के जो फुल फॉर्म है, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, BSW थ्रेड की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। ये एक वी टाइप थ्रेड का प्रकार है, ये एक वी चूड़ी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बनाने से पहले आपको इसकी मेजरमेंट बता देता हूँ, इसकी मेजरमेंट्स क्या क्या होती है, वह स्टैंडर्ड क्या होता है इसका। सबसे पहले इसमें आती है पिच। पिच को हम डिनोट करते हैं पी से। पिच जो होती है इसको हमने मान लिया 30 है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, वो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर बात है वो क्या देता है, ठीक है। पिच हमने मान लिया 30, ठीक है। हाइट जो है इसकी स्टैंडर्ड होता है हाइट का 0.96 फीट। जो BSW थ्रेड का हाइट का स्टैंडर्ड होता है 0.96 फीट। जो 0.96 है इसको आपको गुणा करनी पड़ेगी, इंटू करना पड़ेगा 30 से, जो पी दे रखा होगा हमें, ठीक है। उससे गुणा करके ये हाइट निकलेगी इसकी 28.8 आ गई। तो अप्रॉक्स में आपसे 30 mm भी ले सकते हैं या 28.8 mm भी ले सकते हैं। और एंगल ऑफ थ्रेड होता है BSW का 55 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना होता है BSW थ्रेड का, 55 डिग्री। और जो आपकी H/6 है ये आएगी 28.H/6। ये क्या होता है H/6 यानी H ये हाइट और 6 इसका स्टैंडर्ड होता है। तो H/6 आपको बताऊंगा मैं डायमेंशन होगी कहाँ से, ये H/6 होता क्या है आपको बनाते हुए मैं इसको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना स्टार्ट किया जाए। तो BSW थ्रेड बनाने को पहले सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी। ये मैंने पहले से ले रखी है ताकि वीडियो लंबा ना हो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और उसी के ऊपर एक वर्टिकल लाइन लेनी है। वर्टिकल लाइन जो होगी आपकी होगी ये हाइट, जितनी हाइट होगी उतनी ही वर्टिकल लाइन लेनी है। जैसे 28.8 है तो आप 30 ले लीजिए अप्रॉक्स में, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो पिच दे रखी है 30, पिच क्या होती है एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की डिस्टेंस। लेकिन हमें जो ये पिच दे रखी है 30, इसका आधा लेना है यानी 15 mm। अगर आपको 40 दे रखा हो तो 20 mm लेना है। तो जैसे हमें 30 दे रखी है तो 15 mm पे आप इस लाइन से, ये जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन से 15 mm पे आप पॉइंट लगाते चलेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये 15 mm पे आप पॉइंट लगाते चलेंगे, ये वाला पॉइंट, ऐसे ही पॉइंट लगाते लगाते आप आगे आइए, ये 15 mm पे आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 15 mm पे पॉइंट हो गए। अब इस पॉइंट से, इस वर्टिकल लाइन के जरिए ये माध्यम से इसके रोलर द्वारा आप लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन हल्की हल्की बिल्कुल, ठीक है। हिडन लाइन कहते हैं जिन्हें, ये वाली आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, ये तो वैसे ही डार्क है, मैं स्केच से बना रहा हूँ। ये देखिए ऐसे करते करते आप तो लाइन खींचते जाइए, ठीक है। ये खींच गई लाइन हमारी, ठीक है, ये लाइन खींच गई। तो जैसे कि हाइट, थ्रेड की हाइट कितनी दे रखी है हमें, 28.8 mm यानी 30 mm मान लिया हमने, ठीक है। तो इस, ये लाइन हमारी 30 की थी, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है 30 mm पे ऐसे सीधी खींच लेंगे, ठीक है। ये वाली है, ये आ गई 30 mm की, ठीक है। अब क्या करेंगे हम थ्रेड बनाने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए अब हम करेंगे ए, जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को इससे ऐसे, और इस पॉइंट को फिर इससे, ये मिल गया। ऐसे ही अगला पॉइंट मिलाते चलेंगे आप, अगले हर पॉइंट को ऐसे ही मिलाएंगे आप। ये देखिए ये वाला पॉइंट इससे मिल गया, ये पॉइंट इससे मिल गया, ये इससे, ये आपकी थ्रेड बनती जा रही है। ऐसे ही ये पॉइंट इससे मिला दीजिए ऐसे ही, हाँ। और एक 15 mm पे और एक आगे ले लीजिए, इसको भी एक लाइन खींच लीजिए वर्टिकल, ये, और इसको भी इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी थ्रेड
थोड़ी बहुत बनती जा रही है। तो अब आपको एच बाई सिक्स बताऊंगा मैं, एच बाई सिक्स की लाइन जो लेनी है वो कैसे लेनी है। जो एच बाई सिक्स है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से अंदर की ओर, ये अंदर की ओर एच बाई सिक्स डिस्टेंस यानी 4.8 डिस्टेंस जो आई हमारी, इस वाले पॉइंट से अंदर की ओर लेनी है। तो चलिए लेते हैं, तो इस पॉइंट से 4.8 आई तो हम 5 ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 5 mm, इस 5 ले लिया। ऐसे ही नीचे से अंदर की ओर 5 mm, ए यहाँ पे आ गया 5 mm का पॉइंट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है हमें इस पॉइंट से, ठीक है, ए ये आ गया इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ऐसे ही नीचे वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। तो ये एच बाई सिक्स का आपका पता चल गया होगा, एच बाई सिक्स यूज कहाँ होगा, ठीक है, एच बाई सिक्स हो गया। अब आपको ध्यान देना होगा कि बी एच डब्ल्यू थ्रेड थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि बी एच डब्ल्यू थ्रेड के जो रूट और क्रेस्ट है ये दोनों क्या होते हैं, राउंड यानी गोल होते हैं, रूट और क्रेस्ट। तो रूट और क्रेस्ट को हमें गोल करने के लिए ये इसका ये गोल हो गया नीचे से और ये भी गोल है, दोनों चीज के गोल होते हैं। ऐसे ही ऊपर से ये 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 और ये, ठीक है, ये दोनों गोल होते हैं, ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा। और अब हम इसकी करेंगे हैचिंग। हैचिंग के लिए सबसे पहले आपको ये ऐसे करना होगा, ये थोड़ा सा ये, थोड़ा सा इस पॉइंट से ये, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए आप लाइन को। अब हैचिंग करने से पहले आपको एक बात बता दूं, हैचिंग जो है कभी भी आप हैचिंग करेंगे तो 45 डिग्री पे करते हैं हैचिंग हम, और जो लाइन का गैप होता है हैचिंग में वो होता है आपका 2 से 3 mm बस, ठीक है। तो इस कॉर्नर से हमने ए, इस वाले पॉइंट से हमने 45 डिग्री का एंगल लिया, ए ये आया, ठीक है, इससे आप हैचिंग करते चलिए, ठीक है, ऐसे ही इसे आगे बढ़ा लीजिए अंदर, थ्रेड के अंदर तक हैचिंग होगी। और जो ये जो सर्किल है ये वाला जो हमने राउंड करा था उसके अंदर तक ही हैचिंग होगी बस, ये ऐसे हैचिंग करते चलिए आप, ठीक है दोस्तों, ये हैचिंग करते करते चलिए। हैचिंग करते करते आपको एक बात बता दूं कि ये जो बी एच डब्ल्यू थ्रेड का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स आईटीआई कर रहे हैं 2020 में फाइनल ईयर में है, क्योंकि अब मोदी जी ने स्कूल भी खोल दिए हैं, कॉलेज भी खोल दिए हैं, तो आईटीआई जो फाइनल ईयर के छात्र हैं पीटर के, उनका एग्जाम होना है, तो उसमें ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है, और 10 नंबर में आपको मतलब आसानी से मिलने के बहुत चांस है अगर आप प्रैक्टिस करें तो, क्योंकि 10 नंबर बहुत होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो 10 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो देखते रहिए हैचिंग, ये हैचिंग हो रही है, हैचिंग ये। और वीडियो एक चीज और बता दूं मैं आपको कि मैं आने वाले टाइम में एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो आईटीआई 2020 के फाइनल ईयर के बच्चे हैं पीटर के, उनको मैं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, यानी पेपर में जो आने वाले हैं आ सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में उनसे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है दोस्तों, उसको वीडियो एक बार बनाऊंगा मैं, बस 2-3 दिन का वक्त चाहिए मुझे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए वो। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा हैचिंग मेरी अब तैयार हो चुकी है, और आपको मैंने साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बातें भी बता दी हैं, ये देखिए हैचिंग आपकी तैयार हो चुकी है, ऐसे ही अंदर थ्रेड के कर दीजिए फटाफट, ये ऐसे ही यहाँ आपको, ये तो हैचिंग में फटाफट कर रहा हूँ लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है ताकि जो एग्जामिनर है उसको बहुत ही अच्छा लगे आपको ये थ्रेड बनाओ और आपको नंबर पूरे मिल सके। तो हैचिंग तैयार होने के बाद आपको इसकी डायमेंशनिंग करनी रहती है, डायमेंशनिंग सबसे पहले आपको हाइट ऑफ थ्रेड यानी हाइट कितनी हमारी थ्रेड की ये नहीं, इसकी डायमेंशन करिए आप, ये जो ये वाला पॉइंट है और जो ये कॉर्नर ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इससे आपकी आएगी हाइट, ये वाली, ठीक है, ये हो गई आपकी हाइट, ठीक है दोस्तों, ये हो गई हाइट। अब एच बाई सिक्स की आपको मैंने बताई थी ये जो लाइन है ये वाली, ये है एच बाई सिक्स, ठीक है दोस्तों, ये है हमारी एच बाई सिक्स। अब हमारी पिच क्या बताई थी मैंने आपको, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे पिच, और आपको मैं 15 बताता हूँ, आपको मैंने क्यू लिया था 15, ये देखिए 1 मिनट रुक गई,
प्लीज। पिच तो ये पिच हमने इसलिए ली थी 15 mm, ये देखिए इस थ्रेड को आधा आधा भाग में बांटना पड़ता है ताकि एंगल जो एंगल होता है थ्रेड का 55 डिग्री वो पूरा बन सके। तो एंगल भी आपको शो कर, ये एंगल जो है शो करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ शो करा मैंने 55 डिग्री, लेकिन ये आपको ये इसके अंदर शो करना है 55 डिग्री, ठीक है। 55 डिग्री अंदर हो गया, अब आपकी थ्रेड बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये थ्रेड बनने का प्रोसेस बिल्कुल समझ में आया हो, वो मेरा हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ITI 2020 के जो फाइनल ईयर के छात्र हैं फीटर के, उनकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले टाइम में मैं उनसे कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं 100%। सो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए मेरी वीडियोज़। थैंक यू दोस्तों।